नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल हिंदी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर सभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। यानी अगर कोई भी वैकेंसी आती है इंडिया के अंदर, सबसे पहले नोटिफिकेशन बनाकर वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर ये सब जानना चाहते हैं हर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आवेदन क्लास ऑनलाइन क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे या क्लास लाइव होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं MTS भर्ती 2019 में, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, वो भी इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जानने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। उम्र की बात करें 18 से 35 वर्ष, इसमें मेल फीमेल भी कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपना भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें भर्ती जो है देख रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट MTS के यहाँ पर भर्ती है, जिसमें चार पोस्ट ये फिलहाल निकली हुई हैं। मैं आप चलिए बता देता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर, हम जानेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको डिस्कस भी करेंगे कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, कितनी फीस है, सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहले पोस्ट के यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की है, ठीक है, जिसमें आपको ले 35,400 से यहाँ पर आपका लेवल पे यहाँ पर बता दिया गया है, 112,400 रुपये आपकी सैलरी बताई गई है। इसमें मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है, ठीक है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, जिसमें आपकी दो पोस्ट हैं केवल जर्नल के लिए, ठीक है। आगे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की बात करें तो 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो 35,000। ग्रुप सी की पोस्ट है ये, जिसमें टोटल नंबर पोस्ट जो है 7 पोस्ट हैं, जर्नल के लिए 3, OSC के लिए 2 और OBC के लिए केवल 2 पोस्ट हैं, PWD और ST के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है। जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 63,200 रुपये सैलरी इन्होंने बताई है। मैक्सिमम 35 उम्र 35 एज के होने चाहिए। ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें 44 पोस्ट आपके लिए हैं, 19 पोस्ट जो हैं आपकी जर्नल की हैं, SC की 9 पोस्ट हैं, ST की 3 पोस्ट हैं, OBC के लिए 11 पोस्ट हैं एंड 2 पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे MTS की, ऑफिस असिस्टेंट हम जिन्हें बोलते हैं MTS वालों को, ठीक है। इसकी सैलरी यहाँ पर बताई गई है 56,900 रुपये, 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी है। 35 वर्ष मैक्सिमम एज है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 20 पोस्ट है, जनरल के लिए 6 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें SC के लिए 5 पोस्ट और ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट और PWD कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर है। तो इतनी पोस्ट हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, मैं बता दूँ ये पोस्ट जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू में ये पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिएगा यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एनी द एबव एडवर्टाइजमेंट एंड सीक टू फंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी मे सबमिट द फील्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल JNU, ठीक है। जहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को आपने, जवाहरलाल नेहरू तो कम लेकिन JNU यूनिवर्सिटी नाम से बहुत सुना होगा, JNU यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि आपका जो अगर फॉर्म फिलअप हो जाता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, आपको लगता है कि मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा इसकी, तो अपनी फीस जो आपने सबमिट की है फॉर्म की, वो आप रिफंड भी करवा सकते हैं। लेकिन वो कैसे करवा सकते हैं, आपको JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना जो भी मांगते हैं फॉर्म के लिए, ठीक है, अपना नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर, वो सभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा, जो जो वो मांगेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। वहाँ पर फिर अगर फॉर्म आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें डेट की, तो डेट यहाँ पर बताया गया है MTS की। देखिए फ्रेंड्स, डेट इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की है 4 फरवरी 2019 5:30 बजे तक, 4 फरवरी तक आप इसके फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो 5 वर्ष जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 5 वर्ष यहाँ पर
एससी एसटी जो कैंडिडेट दी जाती है 3 वर्ष जो है जन ओबीसी वालों के लिए दी जाती है, तो यहाँ पर जो है इतनी छूट यहाँ पर मांगी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। आपके पास जो भी पोस्ट है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर कम वैकेंसी होती है तो कम फॉर्म ज़्यादातर मैक्सिमम इन चीज़ों में कम फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये सब, लेकिन ये भी फिलहाल गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए बहुत से तो सिर्फ चक्कर में फॉर्म निकालते कि वैकेंसी कम है हम फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। तो देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म कम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उन कम फॉर्म में ही आपका नाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चक्कर में कम फॉर्म को फिलअप करते हैं, आप भी अगर लगता है तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, मेरा कोई फोर्स नहीं है इसमें, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। 2 पोस्ट हैं ओनली जनरल के लिए, इनका 7 पे स्केल रहने वाला, ठीक है। इनमें 35,400 से 1,12,400 इसमें आपकी पे स्केल दिखाई है। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो 35 वर्ष यहाँ पर है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट में दिया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 जिन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट विद प्रोफेंसी और इन द शॉर्ट हैंड, इसमें मांगा गया है इंटर के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनो स्टेनोग्राफर की 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, आपका जो अगर पर्सनल असिस्टेंट फॉर्म फिलअप करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, स्टेज 1 में आपकी स्किल टेस्ट रहने वाली है, स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट, स्टेज 2 में सेकेंड में आपका ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट, सॉरी टाइप टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ग्रुप सी थर्ड स्टेट के बारे में, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया है सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द स्कोरिंग इज द मिनिमम 50% मार्क, ठीक है। 50% मार्क यहाँ पर बताया है, स्कोर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के, 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, या आप हिंदी के 100 वर्ड 10 मिनट में, ठीक है, 100 मार्क से होंगे, ठीक है, जिसमें 65 मिनट, ठीक है, और 65 मिनट हिंदी और 50 मिनट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो मैंने बताया ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट 7 पोस्ट हैं, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपये है, मैक्सिमम एज 35, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट हैंड इसमें भी मांगा गया है, 80 वर्ड पर मिनट इसमें आपको देना चाहिए शॉर्ट हैंड के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पर स्टेज 1 में आपके लिए स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफरी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। सेकंड स्टेज में बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज थर्ड की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इंग्लिश में और हिंदी में टाइपिंग मांगी है, 50 वर्ड और 80 वर्ड, इन दोनों में से, ये नहीं कि दोनों करने हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भी कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट मैंने बताई थी ग्रुप सी की पोस्ट है, 44 पोस्ट है इसमें टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें पे स्केल की, तो 19,900 से 63,200 रुपये है, मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष मांगी गई है, इसमें आपको इंटर पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग की बात करें तो आपको क्वालिफाइंग स्पीड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है, ठीक है। आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेटों की, जिसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में परफॉर्मेंस करना है। इंग्लिश में आप 30 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं, तो इंग्लिश नहीं आती हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपको फिर दिखाना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। थर्ड में आपको जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इसकी, तो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50% भी मार्क का स्कोर करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के बारे में, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 20 टोटल पोस्ट दी हुई हैं, 18,000 से 56,900 पे स्केल है इसका, एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है इसमें, हाई स्कूल या ITI होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, आप जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा उसमें आपको जो है रिटन टेस्ट होगा, ठीक है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें और बताया गया है सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट,
सब्जेक्ट स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इज द प्रिसर्व्ड द फुलफिलिंग द टर्न ऑफ द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपकी जो आपकी कट ऑफ लगेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है दिया जाएगा। जैसा आप ऑब्जेक्टिव जो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें इसमें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आपको मेन मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है पब्लिश हुआ था 5 जनवरी 2019 को। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना अपडेट था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मैंने सभी मैक्सिमम है बता दिया। चलिए मैं बात करता हूँ फॉर्म को कैसे भरें। देखिएगा फ्रेंड्स, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधा लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी और आपको 6 डिजिट का अपना नंबर यानी पासवर्ड बनाना है, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जिस पर आपको पिन भी आ सके। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर आपको देना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर कभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो लॉगिन पर सीधा क्लिक कीजिएगा, लॉगिन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जो मैंने अभी दिखाई आपको, जो अभी पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाया पूरा, ठीक है, नोटिफिकेशन इसकी लिंक और इसकी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सीधा लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। ऐसे ही हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है।